बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम स्टडी कर रहे थे न्यूमेरिकल फर्स्ट चैप्टर की। तो सबसे पहली बात है कि हमने दो न्यूमेरिकल पहले सॉल्व कर लिए थे, अब हम थर्ड न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। वहां उसने कहा हुआ है कि आपके पास एक रेक्टेंगुलर प्लेट है। रेक्टेंगुलर शेप होती क्या है, ये आप मैथमेटिकल मैथमेटिक्स में पढ़ चुके हैं, वो वाली शेप जिसमें आमने सामने वाली साइड इक्वल है। मतलब कि अगर आपके पास लेट अस सपोज कि ये 5 सेंटीमीटर हो, ये वाली साइड तो ये भी आपके पास कितनी हो 5 सेंटीमीटर हो, और अगर ये आपके पास 8 या 10 सेंटीमीटर हो तो ये भी फिर उतनी ही हो आमने सामने वाली साइड, तो इसको कहते हैं रेक्टेंगुलर शेप। ठीक है, वो कह रहे हैं इस तरह की एक शेप है आपके पास जिसकी उसने लेंथ भी दी हुई है और विड्थ भी। तो लेंथ इस न्यूमेरिकल में जो दी हुई है वो आप देख सकते हैं कितनी दी हुई है, मैंने लिख दी है शॉर्ट, तो देख लें न्यूमेरिकल में लेंथ दी हुई है कितनी आपको 15.3 सेंटीमीटर, और जो विड्थ है वो दी हुई है 12.80 सेंटीमीटर। उसने कहा एरिया कैलकुलेट करें, बिल्कुल सिंपल है ये न्यूमेरिकल। तो एरिया जो होता है आपको पता है कि किसी भी रेक्टेंगुलर बॉडी का उसका फॉर्मूला होता है एरिया इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। तो सिंपल दोनों वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है और कुछ नहीं करना। तो लेंथ आपके पास कितनी थी 15.3 मल्टीप्लाई बाय सेंटीमीटर, तो साथ आप लिखे तो लिख सकते हैं मल्टीप्लाई भी कितना आ जाएगा आपके पास 12.80 सेंटीमीटर। तो ये जब जब इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 190, कितना आएगा जी आपके पास, हाँ 195.84 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो जब आप इसको राउंड ऑफ ध्यान से करना चाहें तो 196 सेंटीमीटर स्क्वायर लिख सकते हैं। बिल्कुल सिंपल है, सिंपल कैलकुलेटर पे आपने दोनों को प्रोडक्ट लेना है, फॉर्मूला लगा देना है और कुछ भी नहीं करना। ये था आपका न्यूमेरिकल नंबर 3, ये बिल्कुल सिंपल है, ये ऑब्जेक्टिव टाइप है, ये तो बिल्कुल आपको सॉल्व करना आना चाहिए, ये तो आसान है। और न्यूमेरिकल नंबर 4 की तरफ चलते हैं। ये न्यूमेरिकल नंबर 3 था, अब न्यूमेरिकल नंबर हमने 4 लिखना है। न्यूमेरिकल नंबर 4 है क्या, उसने कहा हुआ है कि एड द फॉलोइंग मैसेज गिवन अप टू appropriate precisions, आपको चार मैसेज दिए हुए हैं, आपने उनको सिंपली ऐड करना है। ठीक है, और करेक्टली ऐड करना है। ठीक है, तो इसमें मैसेज की जो वैल्यू है वो देख लेते हैं। जो हमारा न्यूमेरिकल नंबर बेटा 4 है उसमें उसने हमें चार वैल्यूज दिए हैं जो कि मैसेज की फॉर्म में है, तो उनको हमने ऐड अप करना है। ठीक है, और करेक्टली करना है। सबसे पहले हमने जो गिवन डाटा में मैसेज को नेम दे रहे हैं, चार मैसेज है तो M1, M2, M3, M4, और ये जो उनकी वैल्यूज दी थी वो हमने लिखनी है। अब टोटल मैस जो है वो आपकी रिक्वायरमेंट है। अब ये ऑब्जेक्टिव नुमा न्यूमेरिकल है, ये कोई बहुत बड़ा न्यूमेरिकल नहीं है, ये कैलकुलेटर पे आप आसानी से कर सकते हैं। तो इन सबको सिंपली सम अप करेंगे और कुछ भी, तो 2.189 प्लस किलोग्राम साथ साथ लिखे सब के साथ, तो तभी आपकी मर्जी नहीं तो फाइनल रिजल्ट में लिख लें, तो फाइनल रिजल्ट में मैं लिखूंगा। ठीक है, आपकी अपनी मर्जी है। 0.089 प्लस 11.8 प्लस 5.32, अब जब आप इनको सम अप करेंगे तो ये आ जाएगा 19.398 किलोग्राम। अब इन सबको सम अप करने के बाद ये आपका आंसर आएगा। तो उसने जो क्वेश्चन हमें न्यूमेरिकल में पूछा था कि आपने इनको एड अप करना है लेकिन करेक्टली करना है, या फिर जो आपने प्रिसिशन को मद्देनजर रखना है, तो इसमें देख लें कि जो आपके पास बिल्कुल एक्यूरेट जिसमें कम डेसिमल प्लेस आए हैं वो कौन सा वाला है, मैं आपको बता देता हूँ। देखें डेसिमल के बाद कितने डिजिट है, इसमें 1 है, तो इट मींस कि जो आपने आंसर लिखना है इस न्यूमेरिकल का वो आपने इतने ही डेसिमल प्लेस के अंदर लिखना है जितना कि आपकी ये वैल्यू है। इसको कहते हैं कि लीस्ट डेसिमल प्लेस टर्म। तो ये देख रहे इसमें आप कम से कम 1 है, इसमें डेसिमल के बाद देख रहे कितने, इसमें डेसिमल के बाद कितने और इसमें भी डेसिमल के बाद कितने, तो सबसे कम किसमें है 11.8 किलोग्राम में। तो ये हमारे पास जो आंसर आया है वो देखें डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स है, तो हमने इसको 1 में कन्वर्ट करना है, तो ये आ जाएगा 19 पॉइंट, राउंड ऑफ करेंगे तो हमें
वन चाहिए ना डेसिमल के बाद वन डिजिट, तो हम यहाँ से राउंड ऑफ कर देंगे, तो मोर देन फाइव है तो पिछले में एक का इजाफा होगा, तो ये इवन से ऑड से इवन पे चला जाएगा, 19.4 किलोग्राम आ जाएगा। अब देखें ये हमारा एग्जैक्ट आंसर है इन मैसेज का, तो हमने ये जो आंसर लिखा है वन डेसिमल प्लेस में लिखा है, वन डेसिमल प्लेस का मतलब ये डेसिमल के बाद सिर्फ वन डिजिट है, ओके। तो ये हमने इसको देख लिखा है प्रिसिशन को मेंटेन रखने के लिए। ये था हमारा न्यूमेरिकल नंबर 4, ये बिल्कुल आसान था, ये ऑब्जेक्टिव नंबर न्यूमेरिकल है, ठीक है। तो अब हम इंशाल्लाह चलेंगे न्यूमेरिकल नंबर 5, जो न्यूमेरिकल नंबर हमारा नेक्स्ट है 5, उसमें की मैंने स्टेटमेंट और डेटा लिख दी है। स्टेटमेंट क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ स्मॉल जी, स्मॉल जी मीन के ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, और दूसरा पार्ट इसका ये है कि अनस्टेबिलिटी भी हमने कैलकुलेट कर रही है, तो इसमें सिंपल पेंडोलम हमें दिया हुआ है, ठीक है, जो डेटा में सिंपल पेंडोलम का टाइम पीरियड भी दिया हुआ है और उसके रिलेटेड कुछ चीज़ें दी हुई हैं, सिंपल पेंडोलम की लेंथ हमें दी हुई है जो जिससे हमने पेंडोलम को बांधा हुआ है 100 सेंटीमीटर, तो मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया मीटर में। फिर टाइम फॉर 20 वाइब्रेशन वो दिया हुआ है 40.2 सेकंड, वो लिखा हुआ है। अच्छा लीस्ट काउंट, जाहिर है ये लेंथ हमने किसी चीज़ से मेजर किया ना कि ये ज्वाइन, तो वो मीटर स्केल से किया, उसका लीस्ट काउंट था 1 मिलीमीटर, तो हमने उसको मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दिया, ये लिख दिया। फिर लीस्ट काउंट ऑफ स्टॉप वॉच, जाहिर है हमने वाइब्रेशन को कैलकुलेट किया ना कि 20 वाइब्रेशन थी, तो अगर किसी स्टॉप वॉच या किसी वॉच से कैलकुलेट किया ना तो स्टॉप वॉच का लीस्ट काउंट दिया हुआ है 0.1 सेकंड्स। तो फिर हमें पता है कि हमारी रिक्वायरमेंट में टाइम पीरियड है ना कि सिर्फ टाइम, तो टाइम पीरियड हमने निकाल दिया, टी इज इक्वल टू टाइम पीरियड होता है कि जितना टाइम लिया है और जितनी उसमें वाइब्रेशन हुई है उन दोनों की रेशियो, तो टाइम हमें दिया हुआ था ये वाला और नंबर ऑफ वाइब्रेशन भी हमें दी थी कितनी कि उसने 20 वाइब्रेशन दी थी, इन दोनों की रेशियो ले लेंगे तो टाइम पीरियड की वैल्यू आ जाएगी। तो अब हमने जो कैलकुलेट करना है वो पहला पार्ट है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी कि स्मॉल जी, तो हमें फार्मूला गिवन है उससे हम निकालेंगे टी इज इक्वल टू 2π√l/g। तो सबसे पहले हमें अंडर रूट खत्म करना पड़ेगा क्योंकि हमने जी की वैल्यू निकाली है, तो दोनों तरफ टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड मैंने वर्ड बोथ दिया है, तो बस वो वाला काम करेंगे, इधर भी स्केयर ले लेंगे साइड पे भी, 4π स्केयर हो जाएगा, जब अंडर रूट वाले पे स्केयर हम अप्लाई करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, स्केयर रूट के साथ एल ओवर जी आ जाएगा सिंपली, तो जी को मैं शिफ्ट करूंगा जिसको कैलकुलेट करना है और इसको नीचे लिखूंगा, इधर मेरे पास आ जाएगा स्मॉल जी इज इक्वल टू 4π स्क्वायर एल ओवर या एल डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर सिंपल। तो अब इसकी वैल्यू इसमें यहां से लिखेंगे आपको भी इनका वैल्यू से फार्मूला, अब फार्मूला में हम वैल्यू पुट करेंगे तो देखते हैं आगे कैसे सॉल्व करते हैं। इस साइड पे लिख लेता हूं मैं स्मॉल जी इज इक्वल टू 4 कांस्टेंट है तो लिखा हुआ, पाई की वैल्यू होती है 3.14, तो 3.14 का स्क्वायर आ जाएगा और लेंथ आपको दी हुई थी कितनी है 1 मीटर, मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड का स्क्वायर, तो टाइम पीरियड आपके पास हमने कैलकुलेट किया था 2.01 का स्क्वायर, तो ये जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो आपके पास जो इसका आंसर आएगा वो आएगा ये कैलकुलेट करने के बाद 9.76, तो ये आपके पास स्मॉल जी है तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, तो इसका जो यूनिट होगा वो होगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर या ms^2, तो ये आपने जी की वैल्यू कैलकुलेट कर ली है जो कि हमारे न्यूमेरिकल की फर्स्ट रिक्वायरमेंट थी कि स्मॉल जी की वैल्यू कैलकुलेट करें, फाइंड द वैल्यू ऑफ जी। ये हमारा पार्ट नंबर 1 मुकम्मल हो गया, अब हमने इसी को आगे लेके चलना है लेकिन अनसर्टेनिटी को कैलकुलेट करना है, जो न्यूमेरिकल नंबर हम 5 सॉल्व कर रहे थे तो इसका पार्ट नंबर बी था अनसर्टेनिटी, हमने अब कैलकुलेट करनी थी दोनों मेजरमेंट के अंदर, एक तो हमने लेंथ के अंदर कैलकुलेट करनी थी और दूसरा हमने टाइम के अंदर, तो हम सबसे पहले करते हैं अब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, ये क्या होती है ये डिटेल के साथ आप टॉपिक में स्टडी कर चुके हैं जब हमने अनसर्टेनिटी का टॉपिक स्टडी किया था। तो लेंथ के अंदर कैलकुलेट करने का तरीका ये है कि जो आपने रीडिंग ली होती है जो लीस्ट काउंट होता है उसको उसकी रीडिंग पे डिवाइड करते हैं, यानी कि सिंपली तो लीस्ट काउंट डिवाइड बाई
taking reading. तो least count 0.01 length का जो था और इसकी जो आपने रीडिंग ली थी वो 1 meter ली थी length numerical में length 1 meter ली थी और ये उसका least count था उस instrument का ठीक है 1 millimeter था तो 0.01 meter आ जाएगा तो ये इसका आंसर आ गया। अब सिंपल परसेंटेज अंडरस्टैंड जब भी हम कैलकुलेट करते हैं तो 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से मल्टीप्लाई करके आंसर आ गया 0.1%। ये अनसर्टेनिटी आपकी लेंथ के अंदर आ गई है। अब हमने जाना है अनसर्टेनिटी टाइम, तो टाइम में भी आपके पास लीस्ट काउंट कितना था स्टॉप वॉच का 0.1 सेकंड ये वो लिखा हुआ है इस फॉर्मूले के तहत बिल्कुल डिवाइड बाई जो आपने उससे रीडिंग ली थी तो 20 वाइब्रेशन आपने ली थी तो ये आपके पास इतना आंसर आ गया। अब देखते हैं परसेंटेज अनसर्टेनिटी में जाने के लिए जो आपने तो इसके बाद देखें अनसर्टेनिटी हमने टाइम में वो लिख ली फिर परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालने के लिए मैंने बताया है कि हम उसके टाइम पीरियड पे डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आंसर आया था वो 0.25% आया ठीक है। इसके बाद टोटल अनसर्टेनिटी अगर कैलकुलेट करनी है तो जब हमने आर्टिकल स्टडी किया था तब वो हमने फार्मूला लिखा था कि जो हमारे पास लेंथ की अनसर्टेनिटी होती है अगर उसके साथ टाइम की अनसर्टेनिटी आए तो 2 times+ हो जाती है। ये मैंने लिखी है लेंथ की जो आपने सबसे ऊपर निकाली है ये वाली 0.1+2 × जो हमने टाइम में निकाली है तो 2 × that तो ये हमारे पास आंसर आ गया। इसके बाद हमने जी की वैल्यू निकाली थी कैलकुलेशन की थी जो हमने इस न्यूमेरिकल का पार्ट नंबर ए कैलकुलेट किया है 9.76 meter per second या पर सेकंड स्क्वायर हमारे पास आंसर आया था या ms^2 तो इसमें हम लिखेंगे विद अनसर्टेनिटी 0.6%। अगर आप यहाँ तक लिख दें तब भी आपका जो न्यूमेरिकल का जो क्वेश्चन पूछा गया था वो मुकम्मल हो जाता है। अगर इसे आगे हल करना चाहें तो परसेंटेज को खत्म करने के लिए 100 से डिवाइड करें तो आपके पास आंसर क्या आ जाता है 0.06। तो अगर आपने जब हमने ये टॉपिक स्टडी किया था अनसर्टेनिटी का तो हमने बताया लिखा भी था रूल भी बताया था कि अनसर्टेनिटी को प्लस माइनस में हम फाइनल जो रकम होती है या फाइनल जो हमारे पास आंसर होता है उसमें हम ऐड कर सकते हैं प्लस माइनस की फॉर्म में इसके साथ लिख के आप उसके साथ उसका यूनिट लिख देंगे तो ये आपके पास ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई है विद टोटल अनसर्टेनिटी जो कि आपके पास लेंथ के अंदर भी अनसर्टेनिटी इस्तेमाल हुई है या आई थी और जो टाइम के अंदर भी है ये दोनों को प्लस करके फाइनल रिजल्ट में भी लिख दिया गया है। ये था आपका हमारा न्यूमेरिकल नंबर 5 ये कंप्लीट हो गया। न्यूमेरिकल नंबर 6 जो हमारा है उसकी स्टेटमेंट मैंने लिख दी है व्हाट आर द डायमेंशंस एंड इट्स अ यूनिट ऑफ कैपिटल जी। कैपिटल जी मतलब कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट तो इसके लिए जो न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है उसका फार्मूला उसने दिया हुआ है इक्वल टू जी m1 m2/r³। ये न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है उसका फार्मूला है। इसके जरिए हमने दो चीजें कैलकुलेट करनी है एक उसने कहा है कि डायमेंशन जी के ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की और दूसरा उसने कहा है कि ऐसा यूनिट भी आपने तैयार करना है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का। तो पार्ट नंबर हम पहले 1 सॉल्व करते हैं इट मींस कि हम डायमेंशन कैलकुलेट करेंगे तो ये पार्ट नंबर 1 में आप लिखेंगे ये डायमेंशन ऑफ कैपिटल जी यानी कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इसके हमने डायमेंशन कैलकुलेट करने हैं। तो सबसे पहले जी की वैल्यू निकालेंगे तो इधर शिफ्टिंग करेंगे तो इधर आ जाएगा आपके पास कैपिटल जी इज इक्वल टू एफ और स्केयर ओवर एम वन एम टू। हमने क्या किया कि जी को इसी साइड पे रहने दिया और आर को ये डिवाइड हो रहा था एफ के साथ जाकर मल्टीप्लाई कर दिया और ये दोनों टर्म जी के साथ मल्टीप्लाई हो रही थी एम वन एम टू ये हमने डिवाइड कर दिया। अब डायमेंशन जो है वो आप जानते हैं कैसे कैलकुलेट करने हैं तो सिंस के फॉर्म में साइड लिखते हैं तो सबसे बेस्ट रहेगा कि f = ma होता है अपने पढ़ा हुआ है तो इसके डायमेंशन लिखेंगे p का मास का कैपिटल m और एक्सेलरेशन का जो होता है हमारे पास वो डायमेंशन कैसे निकालते हैं a = v over t होता है और जो v हमारा होता है वो b over t dot 1 over t का जाता है तो ये b over डायमेंशन होते हैं एक्सेलरेशन के ये निकालने का तीका जब हमने टॉपिक स्टडी किया था तब डिटेल से बता दिया गया था तो ये डायमेंशन आ जाएंगे m n
टी माइनस टू, तो पुट करते जाइए बाकी तो समान है। फोर्स के लिए कहा जाएगा हमारे पास डायमेंशन एम एंड टी माइनस टू। अब हमारे पास और स्केल है यानी कि लेंथ का स्केल दिया हुआ है, फिर एल स्केल आ जाएगा डिवाइडेड बाई एम वन एम टू यानी कि मैस दो बार है तो एम एम टू टाइम। अब इससे नीचे वाले स्टेप में जाके इनको लीनियरली ले जाए तो ये कितना हो जाएगा एम की पावर ऊपर जाके ये एम स्केयर नीचे होगा ऊपर जाके माइनस में हो जाएगा तो एम इनवर्स और ये एल क्यूब और टी माइनस टू, ये आपके पास हमारे पास डायमेंशन आ जाएंगे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट। ठीक है, ये था हमारा पॉइंट नंबर वन। इस न्यूमेरिकल को जो हमने डायमेंशन कैलकुलेट करने थे वो हमने कर लिए, तो देख लें फोर्स के डायमेंशन को किए, फिर हमने आर्स के यानी कि रेडियस जो था उसके डायमेंशन को किया, फिर हमने एम वन एम टू की जगह दोनों को डायमेंशन मैच का पुट किया, फिर हमने ये एम स्केयर हो गया ऊपर लेके जाएंगे तो हमें इनवर्स बचेगा और एल स्केयर एल क्यूब हो जाएगा और इसी तरह टी माइनस टू भी उसी तरह। ये पार्ट वन था, ये उठा कर तुम अब हम इसके बाद पार्ट टू सॉल्व करेंगे। पार्ट नंबर टू इसका है हमने कैसे यूनिट हमने तैयारी करना है, तो अब हम चलेंगे यूनिट की तरफ सिस्टम इंटरनेशनल के रिलेटेड जो हमने कैपिटल जी का यूनिट बनाया है यानी कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कांस्टेंट का, सॉरी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का जो है अब हम फिर इसी फार्मूला से हम यूनिट निकालेंगे। बिल्कुल, तो कैपिटल जी की वैल्यू निकालनी है तो क्या आ जाएगी आपके पास एफ आर स्क्वायर ओवर एम वन एम टू। अब यूनिट हमने पुट करते हैं तो यूनिट पुट करते जाए फोर्स के यूनिट न्यूटन होता है, कैपिटल एल मैंने पुट कर दिया साथ बता भी दिया, रेडियस इसका मीटर होता है तो आर स्क्वायर है तो एम स्क्वायर आ जाएगा स्मॉल एम स्क्वायर डिवाइडेड बाय एम वन की जगह किलोग्राम और एम टू की जगह किलोग्राम, कितना हो जाएगा किलोग्राम का स्क्वायर। तो इसको सिंपल करके लिखेंगे तो न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम पर स्क्वायर भी लिख सकते हैं या आप इस फॉर्म में ले सकते हैं। तो ये किसका यूनिट आ गया है जो आपके पास ग्रेविटेशनल कांस्टेंट था कैपिटल जी, ये उसका यूनिट आ गया। ठीक हो गया, तो ये न्यूमेरिकल नंबर जो सिक्स है ये कंप्लीट हो गया है, इसका सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हो गया है। इसमें आपने क्या हमने निकाला है इसका ऐसे यूनिट, तो ये इसका ऐसे यूनिट है। ये न्यूमेरिकल नंबर जो हमारा सेवन है उसमें उसने कहा हुआ है कि ये इक्वेशन है इक्वेशन ऑफ मोशन, ये कौन सी है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है, उसने कहा ये करेक्टली डायमेंशनली करेक्ट है, ये आपने प्रूव करना है शो दैट करना है। तो वो कहता है कि ये जो आपके पास वेलोसिटी है वी आई ये इनिशियल होती है और ये तब है जब टाइम आपका जीरो होता है इनिशियल वेलोसिटी, और वी एफ किसी भी बॉडी की फाइनल वेलोसिटी और उसका एक्सेलरेशन ये तब है जब आपके पास टाइम स्मॉल सिंपली आप कह सकते हैं कि वो टी हो कोई कुछ भी हो सकता है टाइम। ठीक है, तो ये हमारे रिलेटेड की बात है कि हमने ये डायमेंशनली करेक्ट प्रूव करना है। ठीक है नहीं, तो इसका सॉल्यूशन में आप करते हैं सॉल्व, पहले लेफ्ट हैंड लेफ्ट साइड लेके उसके डायमेंशन निकालेंगे, फिर राइट साइड लेके उसके डायमेंशन निकालेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड को कितनी है वी एफ, वी एफ के डायमेंशन की फॉर्म में लिखूंगा तो वेलोसिटी के डायमेंशन क्या होते हैं, वेलोसिटी होती है डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, तो यानी कि एल टी माइनस वन, ये आपके पास इक्वेशन में कह दो इसको वन हो गई है, ये आपकी इक्वेशन ए का लेफ्ट साइड का डायमेंशन हमने निकाल दिया है। अब हम चलेंगे राइट हैंड साइड, अब इक्वेशन ए एक उधर क्या है वी आई प्लस ए टी, अब इसके डायमेंशन हमने अलग निकाल दिया अलग, तो डायमेंशन की फॉर्म में लिखेंगे वी आई का डायमेंशन प्लस एक्सेलरेशन के डायमेंशन इनटू टाइम का डायमेंशन, तो इसको आगे करते जाए वेलोसिटी के डायमेंशन इनिशियल हो या फाइनल हो वेलोसिटी के डायमेंशन सेम रहते हैं एल टी माइनस वन प्लस एक्सेलरेशन के एल टी माइनस टू आ जाएगा इनटू टी, तो ये कितना हो जाएगा एल टी माइनस वन प्लस ये टी की पावर माइनस टू है और ये प्लस वन है तो ये कितना हो जाएगा एल टी माइनस वन। अब दोनों टर्म एक जैसे हैं तो सम अप हो जाएगी सिंपली, तो आपका जो आंसर आएगा हमारे पास कितना आ जाएगा टू टाइम
एल ई माइनस वन, ये इसको कह रहे हैं ऑब्जर्वेशन टू। अब देखें, हमने हमें ये क्वेश्चन ऑफ मोशन दी हुई थी, हमने पहले लेफ्ट साइड की डायरेक्शन निकाला तो ये जेड आया, फिर हमने इसी क्वेश्चन की राइट हैंड साइड ली और इसको सॉल्व किया तो इसकी जो डायमेंशन है वो ये होंगे। अब दोनों को हम कंपेयर करेंगे और ये क्या है हमारे पास, ये टू कॉन्स्टेंट नंबर है, कि ये डायमेंशन लेस है, इसका कोई डायमेंशन है ही नहीं है। तो इट मीन अगर इस ये कॉन्स्टेंट है तो हमारे पास जो डायमेंशन है लेफ्ट साइड के वो राइट साइड की डायमेंशन के इक्वल है कि नहीं, बिल्कुल इक्वल है, टू इज नॉट डायमेंशन, ठीक है, तो डायमेंशन इक्वल है। तो आप देखेंगे डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड। इट मींस कि जो आपकी इक्वेशन थी वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए डी, ये करेक्ट है, क्या है, हमने यही प्रूव करना था कि जो हमारे पास इक्वेशन है ये करेक्ट है डायमेंशन ली। और हमने कैसे प्रूव किया, पहले इसकी लेफ्ट साइड की डायमेंशन निकाली फिर राइट की, और हमने फिर कंपेयर कर लिया और हमने बता दिया कि टू क्या है, कॉन्स्टेंट है, ये डायमेंशन नहीं है, और ये डायमेंशनलेस होते हैं, कॉन्स्टेंट जितने भी होते हैं। तो इट मीन्स कि डायमेंशन जो है ये वाली इस डायमेंशन के इक्वल है। ये था हमारा न्यूमेरिकल नंबर 7 और ये कंप्लीट हो गया आपका न्यूमेरिकल नंबर 7।